डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए बीए थर्ड ईयर प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को दूंगी, ठीक है। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पहला देखिए, आप लोगों के कोर्स में है टाई एंड डाई के रुमाल आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। सेकेंड है ब्लॉक या स्टेंसिल, फाइनल प्रैक्टिकल का बता रही हूँ मैं, तो या तो ब्लॉक से एक रुमाल बनाना पड़ेगा या स्टेंसिल से आपको एक रुमाल बनाना पड़ेगा। थर्ड आपको पोस्टर बनाना है। पोस्टर में कुछ भी आप बना सकते हो, मैसेज देता हुआ कोई भी पोस्टर बना सकते हो, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण है, जल संरक्षण है, सेव अर्थ है, सेव चाइल्ड है, कन्या भ्रूण हत्या है, ठीक है, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कोई भी मैसेज देता हुआ एक पोस्टर आप लोगों को फाइनल प्रैक्टिकल में बनाना पड़ेगा। और फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करनी होगी, 6 ईयर बच्चे के लिए ए लाइन फ्रॉक की आपको ड्राफ्टिंग करनी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि टाई एंड डाई हम लोग कैसे करते हैं, और टाई एंड डाई के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं पहले बताऊँगी। पहले हम लोग थोड़ा सा टाई एंड डाई के बारे में समझेंगे कि यह कला कहाँ की है, कहाँ प्रसिद्ध हुई है, ठीक है, इसकी प्रोसेस क्या है। फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी टाई एंड डाई का, ठीक है। पहले देखिए, भारत एवं अफ्रीका इस कला के अग्रणी देश हैं। 19वीं सदी में ही भारत की बांधनी इंग्लैंड में लाल बुनकीदार स्कार्फ एवं रुमालों में लोकप्रिय हो गई थी। यह एक प्रकार की अवरोधक रंगाई है। अवरोधक रंगाई क्यों? क्योंकि इसमें धागा से बांधते हैं, धागा जब बंध जाता है, टाइट हो जाता है, तो क्या होता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इसलिए इसको हम अवरोधक रंगाई कहते हैं। अफ्रीका में बीज बांध कर रंगाई की जाती है। कोई सी भी बीज बांध सकते हो, जैसे चने की दाल है, चना है, छोला है और राजमा है, तो ये सब बांध के हम लोग करते हैं, तो ये अफ्रीका में बीज बांध कर रंगाई की जाती है। जापान में यह कला सिवोरी कहलाती है। गुजरात, कच्छ, काठियावाड़, भुज एवं जामनगर, पाली, जयपुर, अलवर, सीकर, बाड़मेर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर में यह कला विकसित हुई है। अब हम देखेंगे कि बंधनी रंगाई की विधि क्या है, किस किस प्रोसेस से हमको बंधनी रंगाई करनी होती है। सबसे पहले क्या करना है, हमें वस्त्र का चुनाव करना है। कॉटन का कपड़ा लेना है, उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, अगर मिक्स होगा तो फिर कलर उसमें अच्छे से नहीं चढ़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें वस्त्र का चुनाव करना है, फिर नमूना उतारना है। जो भी आपको डिज़ाइन बनानी है तो उसका आप डॉट डॉट लगा लीजिए उस जगह पे जहाँ जहाँ आपको बांधना है, ठीक है। थर्ड फिर है गांठ बांधना, फिर नमूने के ऊपर आपको गांठ लगानी है, फिर रंगना है, फिर सुखाना है, फिर गांठें खोलना है, और फिर है इस्त्री करना। टाई एंड डाई के कपड़ों पे हम लोगों को लाइट इस्त्री करनी होती है, बहुत गर्म इस्त्री नहीं करनी होती है, बैक साइड से करेंगे, नहीं तो उसका कलर थोड़ा सा फेड दिखने लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1 मीटर वस्त्र के लिए 1 लीटर पानी में 3 से 5 ग्राम रंग का पाउडर मिलाया जाता है, साथ ही उतना नमक भी मिलाया जाता है। नमक मिलाने से रंग में चमक आ जाती है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत कपड़े वाला धोने वाला सोडा भी मिला सकते हैं, लेकिन घर में इजीली उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो सोडा मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। कपड़े धोने का सोडा मिलाने से कपड़े पर रहने वाली सारी गंदगी छूट जाती है तथा वस्त्र पर रंग पक्का चढ़ता है, ठीक है। और इसको सुखाना है छायादार स्थान पर इसको सुखाना पड़ता है, नहीं तो इसके थोड़े जो कलर होते हैं वो फेड हो जाते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमको देखना है कि कपड़ा, देखिए कॉटन का कपड़ा आप ले लीजिए, अच्छे से प्योर कॉटन का लीजिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से रुमाल काट लीजिए डिज़ाइन सीखने के लिए, फिर बाद में आप कोई भी बेडशीट कर सकते हैं, साड़ी में कर सकते हैं, सूट में कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गोल डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। फर्स्ट गोल डिज़ाइन बताऊँगी मैं। गोल डिज़ाइन बनाने के लिए क्या करना है, पहले देखिए बीच का पॉइंट आपको देखना है। सबसे पहले तो ये इस तरह से देख लीजिए, ये बीच का पॉइंट हुआ, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे उठा के भी बांध सकते हैं, या तो इसमें आप पेंसिल लगा लीजिए, पेंसिल लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से बन जाती है। इस तरह से आप पेंसिल पकड़ लीजिए बीच से और इसको बांधना शुरू करिए। मैं दिखाती हूँ कैसे बांधना है। धागा ले लीजिए मोटा वाला,
आप इस तरह से इसको बांधना शुरू कीजिए, और बांधते हुए पूरा नीचे थोड़ी थोड़ी दूर पे पूरे नीचे तक आपको बांधना है। दिखाती हूँ मैं, पहले से मैंने बांध के रखा हुआ जिससे टाइम आपका लॉस नहीं होगा। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको पूरी पेंसिल में नीचे तक बांध देना है पूरे रुमाल में। सेकंड में दिखाती हूँ आपको लहरिया वाला रुमाल, ठीक है, लहरिया डिज़ाइन कैसे आती है। इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से स्टार्टिंग से कॉर्नर से ऐसे करते हुए थोड़ी थोड़ी दूर पे प्लेट्स डालते हुए ऐसे आप करते जाइए, और फिर बीच से पकड़ लीजिए, ठीक है। बीच से पकड़ने के बाद यहाँ बांधना शुरू करिए आप, यहाँ से बांधिए, ठीक है। फर्स्ट अच्छे से टाइट से बांधना है आपको, ठीक, यहाँ बांधिए, फिर यहाँ बांधिए थोड़ी दूर पे, यहाँ बांधिए, यहाँ बांधिए पूरा नीचे तक, इस साइड भी ऐसे करके बांधना है। तो आप जब बांधेंगे पूरा, तो इस तरह से पूरा रुमाल आपका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में दिखाती हूँ, ये भी आपका सीधे लाइन में आएगा बंधा हुआ, लंबी धारी कैसे आती हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आपको पहले हल्का सा रुमाल ऐसे फोल्ड करते हुए सीधे में इस तरह से आप कर लीजिए, ठीक है। फिर इसको बांधना शुरू करिए, यहाँ बांधिए, यहाँ बांधिए, पूरा बांधते चले जाइए। इस तरह से आपका बन के रुमाल रेडी हो जाएगा, ठीक। अब मैं बताती हूँ नॉट वाला रुमाल, नॉट वाला रुमाल कैसे तैयार होता है। सिंगल नॉट आप बना सकते हैं और ट्रिपल नॉट का भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, नॉट वाला मैं बताती हूँ, बीच से पकड़ के आपको ऐसे फोल्ड करते हुए चले जाना है, और इस तरह से पकड़ के आपको एक नॉट लगा देनी है कस के, ये देखिए, ठीक है। अगर सिंगल नॉट बनाना है तो बस बीच में एक नॉट लगाइए, अगर ट्रिपल नॉट का बनाना है तो एक यहाँ भी नॉट लगा दीजिए, एक यहाँ भी नॉट लगा दीजिए, ठीक है। तो मैं देखती हूँ, ये मैंने सिंगल नॉट का कर लिया, और ट्रिपल नॉट के लिए मैंने ये तीन गांठें लगा के रखी हुई हैं, तो ये एक बना लेती हूँ एक। अब हम देखते हैं पंखा विधि से कैसे रुमाल बनाते हैं, ये बहुत सुंदर डिज़ाइन बनती है इसमें। इसमें क्या करना होता है, आपको इस तरह से पहले आपको फोल्ड करना है, ठीक है, ये फोल्ड करते हुए चले जाइए आप लास्ट तक, ठीक। उसके बाद यहाँ से फोल्ड करिए, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से, इस तरह से फोल्ड कर लीजिए अच्छे से, और फिर इसको बांधिए इस तरह से, इस तरह से बांध लीजिए, और फिर इसके बाद दूसरे साइड से भी बांध लीजिए, टाइट बांध दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। ये बन के रेडी हो गया। अब मैं आपको कलर करना सिखाऊंगी। आज मैंने 5 डिज़ाइन बताई हैं, नेक्स्ट वीडियो में 5 डिज़ाइन बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं कलर करना। कलर करने के लिए बच्चों, पहले हम एक भगोने में पानी ले लेंगे, ठीक है। उसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक, नमक डालने के बाद हम लोग डालेंगे, जब पानी खोलने लगे तो नमक डाल दीजिए, उसके बाद हम डालेंगे कलर, ठीक है। रेड कलर कर रही हूँ मैं, आप लोग को जो भी पसंद हो वो कर सकते हैं। इस तरह से पाउच में कलर मिलते हैं मार्केट में, तो वो आप लोग ले लीजिए, पाउडर के फॉर्म में होते हैं। अभी अच्छे से घुल गया है, अब हम लोग इसमें डालेंगे अपने हैंकी, जो भी बांध के हम लोगों ने रखे थे वो सारे हम इसमें डाल देंगे। करीब हम लोग को इसको 15 मिनट तक अच्छे से खोलाना है, तभी इसमें अच्छे से कलर चढ़ पाएगा, ठीक है। जब ये हो जाएगा तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए बच्चों, कलर होते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं, ठीक है। देखिए इसका कलर भी कितना लाइट हो गया है, सारा कलर रुमाल ने सोख लिया है। अब हम इसको निकालेंगे और ठंडे पानी में इसको
डालेंगे। गैस बंद कर देंगे। ये देखिए सारे सारे मैं ठंडे पानी में डाल दे रहे हूँ, जिससे इसका एक्स्ट्रा कलर जो भी होगा वो निकल जाएगा। ये हमने सारे ठंडे पानी में डाल दिए। अब इसको निकाल के हम अलग एक ट्रे में रख लेते हैं, फिर जब ये सूख जाएंगे तब मैं खोल के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए बच्चे, मैंने सारे रुमाल खोल लिए हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे आए हैं। ये देखिए गोल वाला है, ठीक है। सेकंड था जो तिरछा मैंने बांधा हुआ था लहरिया वाला, ये देखिए लहरिया वाला आया है। थर्ड है ये सिंगल नॉट है, सिंगल नॉट का। ये पंखा विधि का है। ये हमने सीधे ऐसे करके फोल्ड किया था, सीधे सीधे फिर बांधा हुआ था, ये आड़े में बांधा हुआ है। और ये है ट्रिपल नॉट। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको 6 डिज़ाइन बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको और डिज़ाइन दिखाऊंगी। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।